बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ रंजो अलम शामे गम हाल सफर शाम के जिंदा के सितम अपने गम तुम भी सुना बाबा अपने गम भी सुना बाबा भी सुना बाबा आए भी जगह है बाबा जान शिमरी ने जा बाबा जान शिमरी ने जा मेरे तमाचे ना पड़े मानिया के जिगरी करता हुआ फोन बाबा जान देखो जरा बाबा जान देखो जरा नीरे है रूप सार मेरे क्या यतीम आपे सितम करता है यो कोई बच शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ अपने गम तो भी सुन मेरे बहुत सारे ईरानी भाई हजरदार बैठे हैं उनकी आंखों में आंसू हैं दो मिसरे फारसी के उनकी आंखों के आंसू के लिए बड़ा बीवी कहती है से शरारे गामी सो जामी थमामी ये बुझो दोबारे बयात को तम यकी बोध यकी लपो बाबा जोन दर्दे पे जोना बाबा जोन दर्दे पे जोना बाबा जोन खुश हो मदीद बाबा जोन खुश हो मदीद मंजिला फकीरों ने दिया बिन शेर बिशना उतार दे दिले यतीमों ने बाबा जोन खुश हो मदीद बाबा जोन खुश हो मदीद कौन तूने फाके कदम है बरखुदा दिला उम्मीद सोखता सफर नदी दमे وقتی رفتی دشمنو آتش زدن بیخوای ماها بار خاطر چی می زدن کتا بی بچه بابا 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 جون کرده بابا جون کرده اپنی غم تم بھی سناو اپنی غم हजारों मैंने देखा आप सीने पे मातम करते करते अचानक मुंह पर तमाचों का मातम करने लगते हैं क्यों इसलिए कि बीबी के तमाचे लगे आप थोड़ी देर बाद जब अपने होटल जाएं या मोबाइल का कैमरा खोल कर देखिएगा आपका चेहरा लाल हो चुका होगा मुझे बीबी की अजमत की कसम बीबी का चेहरा सिर्फ लाल नहीं रहा बल्कि नीला भी पड़ गया और सिर्फ नीला ही नहीं रहा बल्कि जख्मी भी हो गया जख्मी कैसे हुआ बीबी कहती है बाबा आई बाबा बाबा जब जुमला सुनना और हम अलग अलग खैमा का कर्बला में मौजूद हो बहुत भारी जुमला अजादार का पर्दे में कहा सुन के लिए बीबी कहती है बाबा बाबा अली असगर के जो गले में तीर लगा था वो अली असगर के खत से बना था और मुझे जो तमाचा लगा वो हाथ सकीना के रुखसार से बना तमाचों की वजह से कहा तमाचों की वजह से कनीर पड़ते हैं ये चेहरा जख्मी कैसे हुआ बीबी तरफ लेके
तेरा सौ मील सफर कैसे किया मुझसे सुनो अपने गम आपने सुने बेटियां आपकी भी हैं कहने साहब आप भी नहीं पढ़ते हैं मगर मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए कि जब कोई किसी का बाप मर जाता है तो दुनिया उसके सर पर शफकत का हाथ रखती है ये तमाचे बात अल्लाह कभी आपको हुक्म ना दिखाए ना बच्चों को भाई हजर अब्बास करबला आया है करबला आने से मैंने 10 दिन किसकी बच्ची थी एक घंटे अपनी बच्ची से मिला हजरारी पे निकल गया करबला आ गया करबला पहुंचा पता चला बच्ची का इंतकाल हो गया गिरिया कर रहा है क्यों किसको अपनी बच्ची को नहीं रो रहा उसको पुरसा देने आए तो कमरे में बैठ के कहते हैं मौला मुझे कमरे में पुरसा देने इतने सारे लाइन आ गए इसी कर्बला में तेरी बच्ची को पुरसा नहीं दिया गया बाबा आपने मेरा नाम क्या रखा था सारे हुसैन से आवाज़ सकीना बाबा फिर बताइए क्या नाम रखा कहा सकीना कहा बाबा फिर बताइए कहा क्या नाम रखा था कहा सकीना बीबी तरफ पे कहती है बाबा जान तुमको नहीं बाबा जान तुमको नहीं क्या मेरे खुदा की खबर अब मुझे लोग बुलाते हैं यतीमा के मुझसे ही कहते हैं कि तू मांग दुआ अब किसी को भी यतीमी न मिले तेरी तरह अपने गम तुम भी सुना बाबा बाबा अपने गम तुम भी सुना बाबा सारे हुसैन से आवाज आई सकीना तेरे तेरी गर्दन पे नील के निशान कैसे हैं बीवी ने मेरी तरफ देखना बीवी ने कहा बाबा रस्सियों की वजह से कहा रस्सियां तो फूफी अम्मा के भी बंदी थी उनके बाजू पे निशान है तेरी गर्दन पे निशान कैसे बीवी तड़प कर कहती है बाबा जान बाजू बंदी बाबा जान बाजू बंदी सबके बंधा मेरा दिल खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी क्यों
रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती। आपके छोटे छोटे बच्चे बच्चे होंगे है ना, या घर में भाई बहन के बच्चे भांजे भतीजे होंगे, बस आखिरी शेर सुनिएगा और अब फुर्सत कबूल करो। क्या कहते हैं सफर भाई, आपके भी बच्चे माशाल्लाह जिंदगी का पता पड़े हुए, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो गवाही दीजिएगा। मैंने भी महसूस किया कभी कभी बच्चे बहुत रोते हैं और पता नहीं चल रहा होता वो क्यों रो रहे हैं, वजह नहीं पता, चुप कराने पर चुप नहीं होते, खिलौने देने पर चुप नहीं होते, दूध पिलाने पर चुप नहीं होते, चॉकलेट टॉफी देने पर चुप नहीं होते, रोते रहते हैं। मगर चुप कब होते हैं, जब बहुत रो रो के थक जाते हैं, पहले बहुत चीज मार के रोते हैं, फिर आहिस्ता आवाज में, फिर और आहिस्ता आवाज में, फिर आहिस्ता, फिर एक वक्त आता है कि वो सो जाते हैं। मेरी बच्ची छोटी आनी सकिन आज ही की बात है, किसी बात पर जिद कर रही थी, जिद करते करते मैंने उसको सीने पर सुलाया, सो गई। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया, आप भी महसूस कीजिए, जब बच्चे सो जाते हैं उनके कान, अपने कान उनके लबों के करीब लेकर जाए तो देखिएगा वो हल्की हल्की सी सिसकियां ले रहे होते हैं। और सोचे सकीना को कितना मारा था जालिम ने, हाँ हाँ गिरिया करना मातम करना, कितना मारा था जब बाबा का कहता हुआ सकूला है, चीख मार कर रोते रहते कैसे आवाज में, तो ये भी नहीं कहती बाबा 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 बाबा। सरे हुसैन बीबी के सीने पर है, मुंह पे दूर रखकर बीबी के बाबा बाबा जान में जख्मों के निशान भूल गई, मैं बालियों के छिन्न का निशान भूल गई बाबा, मैं प्यास की शिद्दत भूल गई बाबा जान आपका सर, बाबा जान आपका सर, जब मुझे जिंदा में मिला खुद को ना रोक सकी जात मेरा खुद, बाबा जान दूर हुई, बाबा जान दूर हुई, अब मेरे बस यही खत्म हुई मजहर फरहान दुखा, ले चलो साथ मुझे वाली सकीना ने कहा, अब गम तुम भी सुना बाबा। मजबूरी है इसको इसी हालत में दफनाना पड़ेगा, सज्जाद वाले कहते हैं अम्मा मैं इतना भी गरीब नहीं कि अपनी बहन सकीना को कफन न दे सकूं, बीबी फिजा हाथों को जोड़ कर कहती है सज्जाद मान जा सज्जाद मजबूरी है, कहा कैसी मजबूरी, कहा सज्जाद आप जानते हैं करबला से गुफा गुफा से शाम, सकीना को कभी तमाचे लगे, कभी चेहरा जख्मी हुआ, कभी कान जख्मी हुए, कभी नाकों पे बांधा गया, कभी नाकों से गिराया गया, सकीना के इतना खून बहा है कि जो जंजीर जंजीर करने वाले मेरे मातमी अज़ादार हैं वो महसूस कीजिएगा कि जब सबक में ज्यादा महसूस करेंगे जब जंजीर जंजीर करके कुछ घंटे बाद अपने घर लौटते हैं, जब कमीज तब्दील करने का वक्त आता है, कुर्ता जख्मों से चुपका होता है, कितनी तकलीफ होती है, कितनी देर में, कुछ घंटों में अल्लाह जाने सकीना पे क्या वक्त था, बीबी फिजा